वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फरहान कम्युनिकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। आधार कार्ड से आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं बिना आरटीओ ऑफिस गए? आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होता है, और आप जो है ऑनलाइन से आप एप्लीकेशन करके जो है आपका आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ही जल्द लाइव होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन करेंगे। और जो है आपको कोई भी टेस्ट देने के लिए, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होता है, घर बैठे आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको क्या करना, वो जाना होता है गूगल में। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे जब भी आप सर्च कीजिएगा ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई, तो आपको जो है यहाँ पे सारथी ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो ये जो sarthi.nic.in है, ये सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब भी आप इसमें क्लिक कीजिएगा, इसमें क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस खोल के आएगा। उसके बाद जो है आपको ये पूरा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पहले अप्लाई करना है, उसके बाद जो है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस करना है। और आगे क्या होता था, आपको जो है आरटीओ ऑफिस जाना होता था, वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करना होता था, मॉक टेस्ट देना होता था, यानी एग्ज़ाम देना होता था, ड्राइविंग टेस्ट देना होता था, उसके बाद ही जो है आपका लाइसेंस बन पाता था। अभी क्या हो रहा है, अभी ऑनलाइन में जो है लर्नर पाने के लिए जो टाइम होता है सुबह 7 बजे, उस टाइम जो है डेट पाना ही मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए सरकार अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि घर बैठे हर कोई आदमी जो है आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएगा। तो दोस्तों, ये कहाँ बोला गया है वही हम आपको दिखाएंगे। तो जाते हैं ट्विटर में, ट्विटर में ये जो दिख रहा है आपको, ये उनका ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे उन लोगों ने पोस्ट किया है, गवर्नमेंट के तरफ से पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे जब भी आप आइएगा, तो वहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो जो है आपको आरटीओ ऑफिस जाना नहीं होगा, और जो है आधार ऑथेंटिकेशन से आप एक जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। तो इसमें ये नोटिस जो है आपको 4 मार्च पोस्ट किया गया है, और ये जो पास हुआ है, ये जो बिल पास हुआ है, वो पास हुआ है 3 मार्च को। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये जो पेज है, इस पेज में ले जाके कि क्या लिखा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा भारत का राजपत्र, दी गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो लिखा है यहाँ पे। ये जो पेज है, ये हम आपको जो है लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली 3 मार्च 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये सूचना जारी किया है कि आप अभी आधार कार्ड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 18 सर्विस है जो घर बैठे आप आधार कार्ड बेस्ड आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्नर लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, आधार कार्ड बेस्ड रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ विच टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टू ड्राइव इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो है आपको आप रिन्यूअल करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपको जो है टेस्ट ड्राइव नहीं देना होता है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकेंगे आप आधार कार्ड बेस्ड। तो दोस्तों, ये अभी जो है अभी पोस्ट किया है, ये सर्विस अभी लागू नहीं हुआ है। तो जब सर्विस लागू होगा तो कैसे एप्लीकेशन कर पाएंगे आप लोग, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना के आपको दे देंगे कि आधार कार्ड बेस्ड आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस KYC ऑथेंटिकेशन के द्वारा कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके, और भी बेहतरीन जानकारी हम आपको दे सके। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।